ये दुकान है इधर एक बाजू में, कुछ भी चाहिए होता है जाके बोले तो ये सामान चाहिए, उसके बाद जो भी हो पैसे वो बाद में दे देता हूँ। इसलिए अभी 300-400 रुपये मुझे दे रहे हैं। ये नया घर बन रहा है, ये मेरे गांव जाने का रास्ता, यहाँ से दो रास्ते जाने के, एक सीधा और एक राइट जाके। अभी राइट वाले से जाता हूँ, वहाँ से आने के बाद सीधे सीधे आऊँगा। यहाँ पर अभी इतना टाइम कोई है नहीं, सब लेडीज हैं, बच्चे बच्चे हैं, इसलिए जो फ्रेंड ये सब थे वो काम करते हैं। और बहुत से लोग बाहर चले गए, कोई दुबई गया, कोई सऊदी गया, बहुत सी जगह पे चले गए, इसलिए मिलना जुलना है नहीं। कोई कोई आता है अभी 2-3 साल बाद। ओ बच्चू हंस रहा है। यहाँ पर सब गोबर डाल के रखा है, इससे क्या खाना वाना बनाते ना तो उस टाइम चूल्हे में डालते हैं, जलाने के लिए काम आता है, बेस्ट है गांव के लिए। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, गुच्ची खेल रहे थे। क्या खेल रहे हैं? गुच्ची खेल रहे। गुच्ची बचपन में छोटे छोटे पैसे का गुच्छू छुप, पता नहीं क्या खेलते रहते। आगे अपने घर दादी आल खाना, बैठो निकाल लेते, बैठो। कुलजा टाइट हो गया मेरा किचन, क्या क्या बना देख लेते हैं। चावल सब्जी, ज़्यादा खाना नहीं है इसलिए हाँ, वो तो लेन छोटा सा प्लेट वही मैया, हाँ छोटा सा थोड़ा बैठा मैं तब खाए दादी ओके। दादा कहाँ है? दादा ओके, अभी वहाँ मंदिर का काम चालू हो गया तो फिर दादा वहीं पर है, अभी मैं भी जाता हूँ खाना वाना खा के, क्योंकि आई थिंक कल से चालू हुआ है। मेरे अंकल भी आने वाले हैं कुछ दिन में, सुना कि एक दो दिन में आ जाएंगे, किस तरह का जो मेरे पापा से छूटे हैं वो। ये हॉल जैसा है, दादी यहाँ पर लेटी हुई हैं, अब रामायण देखते हैं और महाभारत ये सब यहाँ सीढ़ी वगैरह भी देखते हैं। टीवी का वो क्या बोलते हैं, बोलते नहीं यार उड़ गया, तो ब्लैक एंड व्हाइट आता है, कलरफुल था, तो जो मेरे घर पे पड़ा ना वहाँ पर नए वाले पे वो वाला टीवी लगे यहाँ लगा दूंगा कलर वाला एलईडी, तो उसी में देखेंगे। यहाँ से एक दूसरा दरवाज़ा है बाहर जाने का, भाई यहाँ कोई इतना यूज़ नहीं करता है, बंद ही रहता है, मेन सटर से ही आता है सब। ये किचन है इधर, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पर नक, ये मेरी मम्मी का रूम था पहले, फिर अभी ये सबसे छोटी वाली आंटी को दे दिया, और ये बंद है पूरा यहाँ पर, मतलब समर में पड़ा है। ये तीसरे आई थिंक हाँ चौथे नंबर वाली जो आंटी है उनका है, इसमें अभी आंटी रहती है, यहाँ पूरा बंद है पूरा, उनका सामान पड़ा है। ये तीसरे नंबर की आंटी, तो सबसे छोटी वाली आंटी का वो चौथे नंबर का, पाँचवें नंबर चौथा नंबर ये तीसरा। बहुत टाइम से आया नहीं है इस वजह से थोड़ा अंदर गंदा होगा, वैसे तो दादी साहब की देती है तो खराब ही रहती है। मेरा सेकेंड नंबर की आंटी है उनका, यहाँ से गली का दरवाज़ा जाता है, छोटी सी गली है बाहर, वहाँ से वो दरवाज़ा जाता है उसके लिए। ये अब यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ मंदिर जहाँ पर बन रहा है, वहाँ का कैसा है सब सीखिए। नहीं बाइक वहीं पड़ा है तो मैं बाइक लेके आया, उसके बाद जाऊँ। सामने एक घर है, छोटे बच्चे बस, यार दो दुकान है देखा देता हूँ आपको। मैं ज़्यादातर अभी एक गाँव में आया तब से तक गया नहीं, एक दुकान है यहाँ पर। हाँ दादी ठीक है, हाँ यहाँ पर एक दुकान था पहले ये दादा का, एक दुकान यहाँ पर बाकी, फिर अभी मैं जाके बाइक ले लूँ उसके बाद फिर मैं निकलूँ। जाए दे अभी दादी, हाँ बाइक लेके निकलूँ। हाँ हाँ अभी ना, तो कल निकला। हाँ बस बहुत देर बाद देखा दादी, जाए तो हम भैया ले ली फिर वहाँ जाइए, ठीक है।
काफी यहाँ भी एक दुकान खोल दिया है, दुकान ही दुकान खोल के रखा है पर ये दुकान ही रहा। यहाँ पर दुकान है, पहले एक दो थे, उसके बाद तो धीरे धीरे खुलते गए, बहुत सारे दुकान खोल दी गए, चार पांच दुकान ही है गाँव में, आधे मुझसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो सूखा हुआ जलाने लायक है। ब्लॉग बनाए थे ठीक है, चले जाओ। वो जो एलआर में काम किया था वो वाले अंकल है जिनको गाय दिया था। देखो अब दुकान, हर जगह दुकान ही दुकान, छोटे छोटे टीपरी, यहाँ तो पूरे लाइन सर लगा के रखा है। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर सब ये इसको कंडा बोलते हैं, तो जब खाना बनाते हैं ना तो इसको नीचे केसेस से बनाते हैं। बहुत कम लोगों के पास आई थिंक होगा गैस, ज़्यादातर सब यही यूज़ करते हैं। मैं गाँव के बाहर आ गया थोड़ा, जहाँ मेरा घर है वो वाला तो उधर बाहर साइड है, ज़्यादातर सब इस साइड जो होता है ना उसी को गाँव वाला बोलते हैं, बाकी थोड़ा आउट रोड के बाहर है ना इसलिए। मेरे कैमरे में भी चार्ज नहीं है तो चार्ज करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाना, उसके बाद फिर धनीराम से मिल लूँ, उसके बाद फिर मुझे निकल दूसरी जगह पे, तो अभी चार्ज करना पड़ेगा, पावर बैंक लेके जाना पड़ेगा साथ में। आ गया घर मेरा, वहाँ पर गाय, गाय नहीं बैल बोलते उसको, अंदर एक भैंस है। लॉक खोलूँ, चार्ज करूँ कैमरा, फिर निकलूँ। क्या पे बहुत टनी है, कहाँ जा रहे हैं? हाँ कहाँ? वो मैं चंद ओके, अरे वो मंदिर बन रहा है वहाँ जाके देख लो ना क्या सीन है, क्या नहीं जा नेचुरल में ओके तो चला करा सकते हाँ, जाके देख लेना कहा ऐसे सीन अभी कितना बना कितना ना है। कैमरा में चार्ज ना बोल रहा है, ऐसे यूज़ करेगा, चार्ज करना पड़ेगा कैमरा। हाँ बाल तो कटवा ही पूरा छपरी जाके कट कर ले। मैं तो वहीं जाके सब ट्रिमिंग करूँगा अच्छे से, यहाँ तो नहीं कर रहा अभी, बड़े करने थोड़ा काम है उस वजह से बाद में कट करूँगा उसको, पहले इसका जो काम है वो करवा दूँ उसके बाद फिर अपना। सरसों का खेत शाहरुख, यहाँ पीछे जो बड़े बड़े पेड़ है ना वहाँ पर सुना है कि भूत रहते हैं, लेकिन पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट पीछे ही है वो। बलराम बता रहा हूँ, वो भी सकता है ना, कुछ आइडिया नहीं है कुछ। यहाँ मैंने सूट किया था अपना एक सीन, पतंग उड़ा रहे बच्चे, अभी उत्तराखंड में अभी एक महीने जैसा 14 तारीख को उत्तराखंड है, मजा था उत्तराखंड में यार। उसके बाल के ले आए थे यहाँ पर, बाल कटाना दाढ़ी कटाना, उसको दुकान बंद था तो हम यहाँ पर सुबह में चाय पीने आ गए, तब सुना कि चाय मस्त मिलता है पीने यार। क्या समोसा चाय तो यहाँ की भी अच्छी है, बाकी जगह सुबह मैंने पिया है उत्तराखंड में पिया था, वहाँ भी बहुत अच्छा था, यहाँ का भी अच्छी है, खासकर इस मिट्टी के कप में पीने में मजा ही कुछ आता है, अलग ही है। सुबह से तीसरी बार चाय पी रहा हूँ, बहुत चाय पी कर चुका है, अब बंद करना पड़ेगा, मैंने बीच में बंद कर दिया था, गाँव आके मैंने बहुत ज़्यादा चालू कर दिया क्योंकि यहाँ कॉफ़ी मिलता नहीं है, मिस मिलता है लेकिन मैं उतरने को जाता हूँ तभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, फिर अभी यहाँ पर आके रेगुलर चाय चाय ठीक है, अभी चाय पी के बस वहाँ जाके तो रेगुलर कॉफ़ी हो जाएगा, चाय बंद करना पड़ेगा वापस। वहाँ से मैं यहाँ आ गया, इधर मंदिर का काम चालू है, इधर यहाँ पर अभी काम चालू है, ये नाई भरा था ना अभी, यहाँ पर इतना बन चुका है अभी, बाकी काम चालू है वैसे तो। बहुत टाइम से बंद पड़ा था आई थिंक 5-6 महीने से, तो अभी वापस चालू हुआ है काम, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम था इसलिए काम चालू नहीं किया था, अभी फिलहाल रेडी
कल से काम चालू हो गया, यहाँ पर अभी इतना बन चुका है। मैं जब आया था तो उस टाइम इतना था थोड़ा बहुत, कल से स्टार्ट किया है तो ये सब लगा दिया है। आई थिंक कुछ टाइम लगेगा रेडी होने में। कहाँ है ये देखो हमारे फाइनली करामली भाई, ये देखो भाई, ये साला इसके पास खाने का घट गया, सारा काम कर रहा है। हमें ना ये पसंद है ना, सुगर चेहरा क्रीम व्रीम लगा के साला पूरा वाट कर दिया, मतलब मार दिया ऊपर। हां कौन सा क्रीम लगाता है भाई, लगाओ यार। ये कौन सा क्रीम है, करोल भी लगाता है साले को चाय पीने का। अरे तेरे को पैसा नहीं था, पैसा मेरे से देता मैं, काम क्यों कर रहा है आके वीडियो बना दो अब्बे गरीब। अभी इतना काम हो चुका, आज नहीं कल जाओ। यहाँ इस साइड इतना स्पेस खाली रखा, अभी पता नहीं इधर क्या आएगा, बाकी इतने में मंदिर बनेगा। इधर पेड़ था यार, पेड़ कहाँ गया? ये पेड़ राय से पेड़ कहाँ गया? कहाँ है पेड़? वही वो वही राम पान है, वो बिल्ली पेड़ पान का भाई कहाँ है? थैंक यू। अरे यार आम का पेड़ रहा, अच्छा रहा। वही ना यार कहता बात का, हाँ बात का ना खा रहा। ये इस साइड ना आम का पेड़ था यहाँ पर, लेकिन अभी कट कर दिया, पता नहीं क्यों कट किया, बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर आके बैठूंगा मस्त, लेकिन भाई कट कर दिया है, कोई नहीं चलो। ये वहाँ से लेके पूरा खेत हमारा है, बाकी यहाँ का भी है, इधर खेत था पहले, लेकिन अभी मंदिर के लिए यहाँ पर अलग कर दिया उससे। तो यहाँ मंदिर बन रहा है शिव जी का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम पहले से एक्साइटेड था, जब वो बन रहा था ना स्टार्ट हुआ था तब से, फिर बीच में काम रुक गया था, इस वजह से मैं सोचा ठीक है टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन अभी फाइनली कल से काम चालू हो गया, तो फिर ज़्यादा हैप्पी। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तक रेडी हो जाएगा, सुना है कि टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी वेट तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पर मंदिर, सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से, शाम के टाइम पे और भी अच्छा लगता है यार गांव में घूमने में। ठंडी में तो यहाँ इतना ज़्यादा ठंडी होता ना, कुछ 6-7 डिग्री चला जाता रात को, तो ऊपर छत पर जाने में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी स्वेटर पहन के घूमता हूँ। अभी तो मैं बिना स्वेटर के हूँ, शाम होने वाली है 4:30 जैसा कुछ हो गया, तो घर जाके अभी स्वेटर वेटर पहन लूँ, उसके बाद फिर निकलूँ, एक जगह जाना है मुझे, बाकी फिर मुझे कल निकलना है अहमदाबाद के लिए। यही सलाह गए ना साला, एक कैसे काम हो क्या ही। आज के ब्लॉग में मैंने अपना पुराना घर बताया, नया घर बताया, और जहाँ मेरे मंदिर बन गए शिव जी का, वहाँ भी मैंने आपको दिखाया। तो ब्लॉग पे एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया और नाइट होने वाला, मुझे जाना भी है, तो ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि ये 5:30 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। धनीराम ये बांध रहा है, क्योंकि इसको लेके जाना है मुझे, तो फिलहाल निकलूँ, फिर तो लेट हो जाऊँगा ज़्यादा, अंधेरा हो जाता है। और उधर नहर के उस साइड से जाना पड़ता है, तो थोड़ा रिस्क ही रहता है, रोड भी ख़राब है, जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ ना, तुम मत जा, बहुत मस्ती हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।